हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सभी सही होंगे। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं जैसा कि हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप में हमें पेट्रोल मिलता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह पेट्रोल हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप तक कैसे पहुँचता है? तो आज हम इसी के ऊपर एक नई वीडियो बना के लाए हैं और डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप तक पेट्रोल पहुँचता है। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी सरकार दूसरी कंट्रीज से क्रूड ऑयल खरीदती है। क्रूड ऑयल मतलब कि कच्चा तेल खरीदती है, तो हम उसे खरीदते हैं दूसरे देशों से। लेकिन क्रूड ऑयल जो होता है वो प्योर रूप से यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं होता दोस्तों। उससे हमारे कई तरीके के पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन ये सब निकलते हैं, तो वो प्रोसेस होती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, सबसे पहले जब हम दूसरी कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, तो वो ऑयल टैंकर शिप द्वारा हमारे इंडिया में आता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ऑयल टैंकर्स हैं, एक शिप है, ऑयल टैंकर शिप बोलते हैं इसे। तो इनके द्वारा ये हमारे इंडिया में आता है, भारत में आता है। हमारी कंट्री में पहुंचने के बाद क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल को रिफाइनरीज में भेजा जाता है। तो दोस्तों, हमारे भारत में कई यहाँ पर रिफाइनरीज हैं। टोटल रिफाइनरीज की अगर हम बात करें तो 23 रिफाइनरी है जो कि अलग अलग स्टेट में है, और इनमें से जो है 18 पब्लिक रिफाइनरीज हैं और 5 जो है वो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं। तो दोस्तों, ये रिफाइनरीज में जब जाता है तो इसको एक अलग अलग टेम्परेचर में यहाँ पर बॉइल किया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर में हमें अलग अलग फ्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेशन ऑयल, ATC, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये सब हमें इसको क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है ये सब। तो दोस्तों, अब अगर हम रिफाइनरीज की बात करें तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया का। इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात में जो है वो 4 रिफाइनरीज हैं, केरल में 1 है, कर्नाटका में 1 है, उड़ीसा में भी 1 है, 1 हरियाणा में है, महाराष्ट्र में 2 है, पंजाब में 1 है, तमिलनाडु में 2 है, आंध्र प्रदेश में भी 2 है, उत्तर प्रदेश में 1 है, वेस्ट बंगाल में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, बिहार में 1 है, और आसाम में आप देख सकते हैं कि 4 रिफाइनरीज हैं। तो टोटल हम देखें तो यहाँ पर 23 रिफाइनरीज इंडिया में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल कच्चा तेल जाता है और यहाँ से ये हमें अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। तो जब यहाँ पर रिफाइनरीज से ये हमारा अलग अलग फ्यूल हमें जब प्राप्त हो जाता है तो इसे हमारे कंट्री में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टैंकर्स होते हैं, ट्रक टैंकर्स होते हैं, इनके द्वारा ये पेट्रोल पंप तक भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आप सब समझ ही गए होंगे अब कि कैसे हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप तक पेट्रोल पहुंचता है। होप आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और उनको सब्सक्राइब भी कराएं। मैं एक बार इसकी समरी और आपको दिखा देता हूँ एक फ़ोटो के द्वारा। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे हम पहले क्रूड ऑयल हमारे कंट्री में आता है, उसके बाद वो रिफाइनरीज में जाता है। रिफाइनरी में होने के बाद हमें अलग अलग फ्यूल प्राप्त होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उसके बाद रिफाइनरी से उसको नज़दीकी स्टोरेज में भेजा जाता है। जो अलग अलग हमारे कंट्री में स्टोरेज बने होंगे पेट्रोलियम के, तो वहाँ ये जाते हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पेट्रोल पंप को, और पेट्रोल पंप से फिर ये हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, ये इतना ही था इस वीडियो में। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का